रोहतास नगर अब रोहतक कहलाता है, लेकिन रोहतास नगर से रोहतक होने में यहां बहुत पानी बह चुका है। 2009 में परिसीमन के बाद जाटों का राजनीतिक दबदबा कम हो गया है। रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा हलके का रोहतक में शामिल होना ही यहां के राजनीतिक तेवर बदल देता है। कोसली विधानसभा ने जाटों का राजनीतिक प्रभुत्व छिन्न कर दिया है। अब यहां चुनाव नहीं, हर बार जंग होती है। लोकसभा क्षेत्र में जिला रोहतक के 4 विधानसभा क्षेत्र और झज्जर के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 1 विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी जिले में आता है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के दायरे में गढ़ी, सापला, किलोई, महम, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी और कोसली आते हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों में से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि 1 पर बीजेपी का कब्जा है। महम विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण सीट आजाद उम्मीदवार बलराज कुंडू के पास है। कोसली विधानसभा में सबसे ज्यादा 2,22,569 मतदाता हैं, जबकि झज्जर में सबसे कम 1,60,293 वोटर हैं। रोहतक का चुनाव जातियों के रुझान से तय होता है। साल 2014 के चुनाव में रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 15,67,508 थे, जो अब 2019 के चुनाव में बढ़कर 16,37,334 हो गए। जनवरी 2024 में जब चुनाव आयोग नई मतदाता लिस्ट जारी करेगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 19 लाख मतदाताओं को पार कर सकता है। रोहतक, झज्जर और बहादुरगढ़ की बढ़ती शहरी आबादी ने यहां का चुनाव गणित बदल दिया है। लगभग 2 लाख नया मतदाता ही यहां के जाति प्रभुत्व को तोड़ देता है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा करीब 6.25 लाख जाट वोटर, करीब 2,98,000 अनुसूचित जाति के वोटर, करीब 1,70,000 यादव वोटर, करीब 1,24,000 ब्राह्मण वोटर और करीब 1,08,000 पंजाबी वोटर हैं। चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ के विधायकों पर, यानी एमएलए पर। महम से आजाद उम्मीदवार बलराज कुंडू। कुंडू एक उद्योगपति हैं, उनका किसी दल से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। रोहतक संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पास 7 विधायक हैं, जिसमें गढ़ी, सांपला, किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, रोहतक से भारत भूषण बत्रा, कलानौर से जो कि रिजर्व सीट है शकुंतला खटक हैं, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता भुक्कल, बेरी से कांग्रेस के रघुवीर सिंह कादयान हैं, कोसली से जो कि रेवाड़ी हलके में पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण सिंह यादव एकमात्र विधायक हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में विधायकों की संख्या से पता चलता है कि 9 विधानसभा सीटों में से 7 कांग्रेस के पास हैं। बेशक से अरविंद शर्मा लोकसभा का चुनाव जीत गए हों, लेकिन दबदबा यहां अभी भी कांग्रेस का ही है। आइए एक नजर डालते हैं यहां के लोकसभा इतिहास पर। साल 1952 से 1957 तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से यहां सांसद रहे। पहली बार 1962 में रोहतक के दरवाजे पर भारतीय जनसंघ ने दस्तक दी और लहरी सिंह जनसंघ पार्टी से चुनाव जीत गए। 1967 में एक बार फिर कांग्रेस के चौधरी रणधीर सिंह ने चुनाव जीता। बाजी फिर पलटी। भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार मुख्तियार सिंह मलिक 1971 में जनसंघ से रोहतक का चुनाव जीत गए। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी बनी और प्रोफेसर शेर सिंह यहां से चुनाव जीते। 1980 तक आते आते जनता पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। यहां से स्वामी इंद्रवेश जनता पार्टी सेकुलर से चुनाव जीते। 1984 में बाजी फिर पलटी और प्रोफेसर हरिद्वारी लाल ने रोहतक से अपनी विजय का डंका बजाया।
हरद्वारी लाल को 1987 में कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिला और वो लोकदल से चुनाव लड़े और विजयी रहे। 1989 में चौधरी देवीलाल ने जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। यही से थोड़ी सी तस्वीर रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बदलनी शुरू हो गई। 1991, 1996 और 1998 में लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को हराया। देवीलाल एक बड़ा नाम था, उनकी पकड़ बहुत थी, लेकिन उनकी एक गलती ने यहाँ की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ का परचम मजबूत कर दिया। इसके बाद 1999 में इंडियन नेशनल लोकदल के इंद्र सिंह ने चुनाव जीता। लेकिन 2005 में हरियाणा की राजनीति की तस्वीर बदलती है। 2005 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय होती है। भजनलाल और हुड्डा के बीच संघर्ष चलता है। इसमें जीत भूपेंद्र हुड्डा के हाथ लगती है। भूपेंद्र हुड्डा 5 मार्च 2005 को पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जिसके कारण रोहतक लोकसभा की सीट खाली हो जाती है। यहीं पर पहली बार उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति में एंट्री होती है। 2005 का उपचुनाव दीपेंद्र हुड्डा अपने घोर विरोधी कैप्टन अभिमन्यु को 2,32,198 वोटों से हरा देते हैं। 2009 में दीपेंद्र हुड्डा दोबारा चुनाव लड़ते हैं। अगर वोटों को देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 2009 के चुनाव में 5,85,016 वोट मिले, यानी कि 69.98%। लेकिन कांग्रेस के लिए वोटों का ये तूफान 2014 में रुक गया। 2014 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट प्रतिशत 69.98% से घटकर 46.86% पर आ गया, जिसमें इन्होंने लगभग 4,90,063 वोट पाए। पहली बार बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ ने 30.55% वोट पाकर लगभग 3,19,436 वोट पाए। बहुत दिनों के बाद यहाँ के मतदाता ने कमल के निशान को पहचाना। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने रणनीति बदल दी। उन्होंने गैर जाट एक ब्राह्मण अरविंद शर्मा को जाटलैंड के जंगल में उतार दिया। इस रणनीति ने काम किया। 30.55% से कूदकर बीजेपी का वोट प्रतिशत 47.01% पर पहुंच गया। अरविंद शर्मा को 5,73,845 वोट मिले, जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 5,66,342 वोट मिले, और हालांकि उनका वोट प्रतिशत 46.4% रहा। बारीकी से देखें तो जाट दीपेंद्र हुड्डा के साथ लगभग 60% लामबंद था, लेकिन 60% गैर जाट और 40% जाट वोट ने बीजेपी के पक्ष में बाजी पलट दी। 2024 में बीजेपी रोहतक में कौन सा पैतरा चलेगी, ये किसी को नहीं पता है।